एग्जाम्पल फाइव जो मैथमेटिकल इंडक्शन की हम देख रहे हैं इसमें है प्रूव करना 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ये ग्रेटर देन है या इक्वल है 1 प्लस एन एक्स के, एन अगर यहां आ जाए तो क्या होगा सारे नेचुरल नंबर एन के लिए जहां पर एक्स बड़ा होना चाहिए माइनस वन से। यानी अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये माइनस वन है जीरो है आगे जो भी पॉजिटिव आपके इंटीजर्स है तो इस डायरेक्शन में ये ट्रू होना चाहिए। तो पी एन यदि स्टेटमेंट है तो हम पी एन को क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट पी एन, ओके हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन जरूर है कि एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस वन से। हम ये देख रहे हैं कि पी वन अगर ट्रू हो तो हम बेसिक स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। एन की जगह वन रख दीजिए, वन टू द पावर एक्स एन मतलब एन की जगह वन रखा, वन प्लस एन एक्स एन एक यहाँ पे वन, तो वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स दोनों ही बराबर है यानी ग्रेटर देन इक्वल में ये बराबरी वाली जो कंडीशन है ट्रू होगी। एक्स लेकिन ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस वन से, तो ये तो कंडीशन हमारी बेसिक स्टेप की तो सत्य होगी। अब हम मानते हैं पी के ये ट्रू है किसी के लिए, यानी वन प्लस एक्स अब एन की जगह हम के लिख देते हैं, यहां पर भी एन की जगह हम के कर देते हैं, ये ट्रू है। अब हमको प्रूव करना है कि ये पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो जहां पर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होगा। तो क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी है वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन, क्योंकि के प्लस वन के लिए कर रहे हैं ना, तो के प्लस वन ये कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर के और वन प्लस एक्स टू द पावर वन। हम जानते हैं कि एक्स टू द पावर एम प्लस एन होता है एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स एक्स टू द पावर एन, इसीलिए हमने वन प्लस एक्स की पावर के लिख दिया, वन प्लस एक्स लिख दिया। अब ये देखिए कि x ग्रेटर देन माइनस वन है, जरा माइनस वन को इधर तो लाइए, तो इस तरफ लाइए, तो क्या हो जाएगा x प्लस वन यानी वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया है ना। लेकिन अगर हम इसको ये वाले को यूज करें वन प्लस एक्स टू द पावर के और ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस के एक्स ये मान के चले और ये वाली इक्वेशन ले वन प्लस एक्स टू द पावर के प्लस वन, ये वाला ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, हम क्या करेंगे k की जगह k प्लस वन रखेंगे, आप k की जगह k प्लस वन रखेंगे तो क्या लिखेंगे वन प्लस के एक्स वन प्लस एक्स। हमने क्या किया वन प्लस के एक्स वन प्लस एक्स, केवल हमने रिप्लेस क्या किया क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो हम ये ग्रेटर देन जीरो है ग्रेटर देन इक्वल है वन प्लस के एक्स लिया वन प्लस एक्स लिखा, वन प्लस एक्स टू द पावर के प्लस वन, इसका मतलब हम इसको जरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर वन प्लस के एक्स और वन प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करिए वन प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, यहां तक आ गया। हाँ देखिए के नेचुरल नंबर है, एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, तो के नेचुरल नंबर है मतलब जैसे मान लीजिए के टू है और एक्स स्क्वायर आपका फोर है, एक्स का मतलब टू का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आपका ये आ गया, तो टू इंटू फोर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसी से हम ये देख सकते हैं कि वन प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर ये हमेशा बड़ा होगा वन प्लस एक्स प्लस के एक्स, के एक्स स्क्वायर अभी हमने छोड़ दिया क्यों, क्योंकि हमने यहां बता दिया के एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई है ना, दिस विल ऑलवेज बी सम वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो वन ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये वाला टर्म के लिए ये वाला टर्म ले उससे ये पूरा टर्म तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू है इसमें। तो हमने क्या लिया वन प्लस एक्स टू द पावर के प्लस वन इस जगह पे यहां पर हमने प्रूव कर दिया अभी क्या कि हाँ ये इससे तो बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है तो इस जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं ये वाली चीज। हमने कहा वन प्लस एक्स टू द पावर के प्लस वन किससे बड़ा हुआ वन प्लस एक्स प्लस के एक्स, अब जरा एक्स कॉमन लीजिए इसे वन प्लस के एक्स, ये चीज के प्लस वन की के प्लस वन के लिए ट्रू हो गई। तो हम के प्लस वन को लेके चले और हमने प्रूव कर दिया, के को लेके चले और हमने के प्लस वन को प्रूव कर दिया। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अगला है टू डॉट टू इंटू सेवन टू द पावर एन प्लस थ्री डॉट फाइव टू द पावर एन माइनस फाइव, ये डिविजिबल है 24 से। वन के लिए चेक कर लीजिए, पहले पी एन मान लीजिए, इसको वन के लिए चेक कर लीजिए, एन इक्वल टू वन डालिए, हर एन की जगह वन डाल दीजिए तो क्या आएगा 24, जो 24 है 24 से तो डिविजिबल है ही, तो ये बिल्कुल पिछली तरह हमने एक जो एग्जाम्पल दिया था वैसे ही करेंगे। अब हम के लिए ट्रू मानते हैं, यानी कि के लिए हम क्या करेंगे दिस इज इक्वल टू 24 क्यू, क्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर 2, 4 है जो भी आप नेचुरल नंबर सोच सकते हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने के लिए इसको ट्रू मान लिया, तो इसका मतलब ये 24 क्यू होगा क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि डिविजिबल है 24 से, के लिए सही मान रहे हैं। अब के प्लस वन के लिए आगे बढ़ेंगे, के प्लस वन के लिए कैसे ट्रू मानेंगे, इसको हम क्या करेंगे ये वाला जो ये है ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं, के प्लस वन को सेवन टू द पावर के प्लस वन को पहले हम सेवन टू द पावर के और सेवन टू द पावर वन लिख देंगे,
ऐसे यहां पर 5 टू द पावर k प्लस 1 को 5 टू द पावर k और 5 लिख देंगे। इस वाले हमने क्या किया, ये वाले में हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, ये पूरे को, और जितना आने वाला है, जितना ये हमने यहां पर देखिए ये ले लिया, ठीक, ये वाला मेंबर ले लिया, इसके बाद हमने ये वाला मेंबर ले लिया, 5 ले लिया, 5 टू द पावर, ये क्यों किया हमने, ये बस ये जो चीज है ना वो केवल इसलिए प्रैक्टिस से आएगी आपको, ये केवल इसलिए किया क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये मेंबर हम अंदर लेंगे तो 24 क्यों हमें कहीं मिलना चाहिए। ये जो चीज है ये क्या है, ये जो हमने लिया देखिएगा ये क्या है, ये यही तो है, और ये हम जानते हैं 24 क्यों है, इसीलिए हमने ये लिया। और उसके बाद क्योंकि ये वैल्यू हमने ली तो ये वही माइनस करनी पड़ेगी, और ये ली तो ये माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस भी कर दिया, मतलब ये माइनस है तो प्लस कर दिया। 2.7 टू द पावर के, ये वाले को हमने, मैं फिर से बताता हूं, ये जो मेंबर है इसको हमने क्या लिखा, इसे हमने 7 कॉमा लिया, खेल इसी को देखिएगा, और हमने अंदर लिखा 2.7 टू द पावर के, ये कर दिया, ठीक। अब अंदर हमने क्या किया, ये जोड़ दिया, ये तो हमको मिल गया 1, 2, ये जोड़ दिया, मतलब ये और ये जोड़ दिया। अब ये जोड़ा तो इनको घटाना भी पड़ेगा, बाकी ये जो मेंबर आना है हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक। ये जो अंदर आया ये वाला, ये तो हम जानते हैं 24 क्यों है, ये बच गया, चलिए बच जो गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो बाहर ले लीजिए, ये तो बाहर आ गया कि हमको 24 मिल गया। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 से 21, ये हो जाएगा 7.35। बाहर जो बचा था उसके साथ थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, 5 की पावर के वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, ये 6.5 की पावर के आ जाएगा, 35 - 5 होता है 30। अब इसमें क्या है, जरा 6 कॉमन ले लीजिए, इसमें 6 कॉमन आ गया आपका, 5 टू द पावर के माइनस 5। अब देखिए 5 टू द पावर के माइनस 5 ये मल्टीपल होता है 4 का, आप करके देखिए क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए 5 टू द पावर 1 माइनस 5 करिए क्या आएगा, 0। 5 के पावर 2 माइनस 5 जरा करके देखिए, 5 से 25 माइनस 5 कितना आया, 24 से है ना। ऐसे कोई भी करके देख लीजिए आप, ये भी अपने आप में एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ बन सकता है। तो हम 5 टू पावर के माइनस 5 इसको आप लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, हमने इसको कहा कि ये 4p का मल्टीप्लायर, मतलब 4p है क्योंकि ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अब ये 6 × 4 क्या होता है, 24p, देखिए 24 मिल गया, 24 मिल गया, दोनों से कॉमन लीजिए 24, 7q - p, अब इसको आप कुछ भी बोलते रहिए, ये 24 तो आ ही गया, ये मल्टीपल है 24 का। तो इससे हमने देखा कि अगर पहला जो एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल है 24 से के वाला, तो के प्लस 1 भी होगा। कुछ चीजें इसमें करनी पड़ती है, थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं से 24 क्यों लेके, 24 सामने लेके आना है, उसके लिए ये सारी चीजें। अगला है एग्जाम्पल 7, प्रूफ करना है 1² + 2² n² तक, ये n³/3 है। pn को हम ये मान लेते हैं, ये पूरा pn हो गया। अब जरा p1 के लिए चेक कर लीजिए, 1 करिए, यानी केवल इसको चेक करेंगे, तो 1² = 1² / 3, तो 1 और 1/3 में 1 ही बड़ा होता है, तो ये तो सही हो गया। पी के लिए ट्रू मान लीजिए, यानी कि ये जो है वो इससे बड़ा है के लिए। अब के प्लस 1 के लिए आइए, के प्लस 1 के लिए हम क्या करते थे, के प्लस 1 के लिए हमको केवल इसमें ये वाले टर्म में क्या करना होगा, ये वाले टर्म में के प्लस 1 का के, ये वाले टर्म में के हमने माना है, तो के प्लस 1 और जोड़ दीजिए, तो के प्लस 1 जोड़िए, के प्लस 1 का होल स्क्वायर जोड़ेगा ना। अब ये जोड़ देंगे, ये इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम के स्क्वायर, ये वाला k³/3 रख सकते हैं, इसकी जगह हमने k³/3 रखा, और ये k+1² है। चलिए इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, इसको हमने सॉल्व किया, जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि देख रहे हैं हम k³ वाला आइटम है, k+1³ किया क्योंकि k+1 चाहिए, ऐसी 3k+2 किया। अब ये देखिए ये वाला जो टर्म है इसमें आपके पास k+1 का होल क्यूब आ गया, और साथ में कुछ एडेड टर्म आ गया, इसका मतलब ये 1/3 k+1³ से तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये 3k+2 एक एडेड टर्म है, क्योंकि k तो हमारे पास, हमें माना ही इसको इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो टर्म है मान लीजिए 1 रखेंगे, 3+2 = 5, तो इस वैल्यू में 5 एक्स्ट्रा ही तो बन के आ रहा है, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, बस 1/3 k+1³ 1/3 k³ से बड़ा है, तो इसीलिए हम k+1³ से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं अगर हर पी के लिए सही है तो पी के प्लस 1 के लिए भी सही। ऐसी आपके पास है प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स a b to the power n = a to the power n b to the power n। यह हम प्रिंसिपल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, pn को तो हम ये मान लें है ना,
चलिए एन इक्वल टू वन रख के देखते हैं। यहां पर वन रखिए, ए बी की पावर वन और ए की पावर वन बी की पावर वन, क्या आया दोनों साइड ए भी आ गया। चलिए यहां तक तो सही हो गया। हम पी के का ट्रू मानते हैं, तो ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए के टू द पावर बी के, हम ये मान के चले। अब जरा पी के ये ए के प्लस वन के लिए लिखिए, ए बी की पावर के प्लस वन, ये कैसे बन सकता है? ए बी को अलग कर लीजिए, के और ये वन है ही, मतलब मैंने बताया था ना दो की पावर अगर जुड़ी हुई है और बेस सेम है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ए बी की पावर के ए बी, इसको जरा अलग करिए, ए की पावर के और बी की पावर के, है ना। ये क्या हुआ, अब ए को जरा इधर ले आइए, बी को जरा इधर ले आइए, इसके साथ बी को बी के साथ, ए के साथ, ये क्या हो गया ए की पावर के प्लस वन, ये क्या हो गया बी की पावर के प्लस वन, बस ट्रू हो गया। के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए ट्रू होगा। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा जिसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन कह रहे हैं, और जो हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था, जो बेसिस है हमारे हमारी सोच का, मैथमेटिकली सोच का, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, किसी चीज से हम कोई चीज डिड्यूस करते हैं कि अगर मैं आपसे बड़ा हूं, आप अपने दोस्त से बड़े हैं, तो मैं आपके दोस्त से बड़ा हूं, इस तरीके से। तो इस डिडक्शन के अगर कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो एक इंडक्शन रीजनिंग भी, वो हम क्या करेंगे अलग अलग केस में लेंगे और जो भी ऑब्जर्व करेंगे कि हम किसी चीज के लिए सही है तो किसी चीज के लिए सही हो सकता है अगर इंड्यूस्ड इफेक्ट आ रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कम शब्दों में कहें तो जो शब्द है इंडक्शन, उसका मतलब ये है कि कोई भी कोई पर्टिकुलर फैक्ट या केस आपके सामने है तो उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई जो एक कोचिंग है इसमें ये जो बच्चे हैं 30 बच्चे जो है वो आईआईटी में निकलते हैं, तो आप बोलेंगे आगे कम से कम 30 तो निकलेंगे या 25 हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। तो ये एक एक इंडक्टिव रीजनिंग जो प्रिंसिपल है इन मैथमेटिकल इंडक्शन का, बड़ा अच्छा टूल है, खासतौर पे हम किसी एक एक्सप्रेशन को अगर बता सके कि हाँ ये ट्रू है कि नहीं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे इक्वेशन को हम पीएन किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए मानते हैं, करेक्टनेस देखते हैं उसकी एन इक्वल टू वन, जिसे हम बेसिस स्टेप कह रहे हैं, फिर अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, खुद सोच लेते हैं कि पी के लिए ट्रू होगा, और हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अगर के को मान के के प्लस वन ट्रू हो जाता है तो हम कहते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इक्वेशन इज ट्रू एंड इट इज बीन जनरलाइज्ड, ये जनरलाइज्ड। तो ये बात हुई हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।